नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में देर शाम रीगल चौराहे स्थित वर्षों पुराने बंद पड़े हुए सिनेमा हॉल में आगजनी की घटना सामने आई है। सिनेमा हॉल में लगी आग में मौके पर देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के चलते रहवासियों में दिखा आक्रोश का माहौल। मौके पर विधायक आकाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। इंदौर के रीगल चौराहे पर स्थित रीगल सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग, रहवासियों का कहना है कि वर्षों से ये सिनेमा हॉल बंद पड़ी है और यहाँ पर कई लोग अपना कचरे से लेकर तमाम वस्तुएं फेंक कर चले जाते हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और देर शाम भी अचानक अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। सिनेमा हॉल के पीछे ही कई बड़े शोरूम और दुकान हैं और कुछ मल्टियों में कई लोग रहते भी हैं। फायर ब्रिगेड के देरी से मौके पर पहुँचने के चलते भी रहवासियों में आक्रोश देखा गया। जानकारी लगते ही मौके पर विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे और तमाम अधिकारियों के साथ ही पुलिस कर्मियों को सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने को लेकर बात कही है। बताया जा रहा है कि नगर निगम से लीज पर लेकर यह सिनेमा हॉल संचालित किया जा रहा था, लेकिन मालिकों द्वारा लीज खत्म होने के बाद इसे बंद कर छोड़ दिया गया था। तभी से ये रीगल सिनेमा हॉल बंद पड़ी हुई है और इसकी देखरेख का जिम्मा नगर निगम के हवाले था। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फायर कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। देखिए, ऐसा नहीं है, आधे घंटे पहले ये आग लगी थी और आग लगने के 15 से 20 मिनट बाद ही अग्निशमन जो वाहन है वो पहुंच गया था। टैंकर्स यहाँ पर पहुंच गए थे, 15 मिनट बाद पहुंच गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गांधी हॉल है, यहाँ पर इनका पहले स्टेशन है और पहले इसे हटाने की भी एक योजना बनी थी कि शहर के बाहर करना है, मगर हम ही लोगों ने रिक्वेस्ट करके इसको यहाँ रखा था। तो मुझे लगता है आज वो एक चीज़ काम आई है, तो ये अभी कंट्रोल में लग रही है। बाकी मैंने फायर के जो यहाँ पर इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जो उपस्थित हैं उनसे भी बात कर ली है। पर्याप्त उनके पास संसाधन है, नगर निगम में मनीष पांडे जी और यहाँ के जो ई हैं जोशी जी, उनसे भी बात कर ली है। वो लोग भी, वाटर की सप्लाई भी निरंतर बनी रहेगी ये सुनिश्चित कर लिया है। पुलिस के जो TI हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। पुलिस के जवान भी यहाँ पर जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक तैनात रहेंगे। फायर वालों का कहना है कि आग कंट्रोल में कुछ ही देर में आ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल या ये बहुत दिनों से अटाला पड़ा था और शॉर्ट सर्किट से लग रहा है कि आग लगी है, तो जल्द ही उस पर काबू पा लिया जाएगा, ऐसा उनका भी कहना है। तो मुझे लगता है स्थिति कुल मिला के कंट्रोल में है और हताहत होने की कोई बात नहीं है। ये कोई जनहानि की बात है ही नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कोई हमको कॉल मिला कि रिगल के पास में आग लगी है। जब हम यहाँ पे आके देखा तो रिगल के अंदर, मतलब टाकिज के अंदर फायर थी और हमने जैसे देखा तो फर्स्ट में बाहर से इतना ज़्यादा लग रहा था कि ज़्यादा फायर है, तो हमने वहीं से मॉनिटर चालू कर दिया। दो मतलब एक लाइन चालू कर दी, दोनों चालू करने के बाद हमको मालूम पड़ा, किसी ने बताया पीछे साइड में ज़्यादा हो रही है, तो मैंने तत्काल दूसरी गाड़ी को कॉल किया। दूसरी गाड़ी के लिए क्या हुआ कि हम लोगों को वहाँ से आने में यहाँ पे जाम में काफ़ी दिक्कत पड़ी। जाम होने की वजह से काफ़ी थोड़ी सी हमको देर लगी है, लेकिन हम ताकि पूरा जल चुका है, ताकि तो पूरा पहले से ख़त्म ही है, उसको कचरा भरा हुआ है। ये कहना मुश्किल है अभी क्या वजह है। आग पूरी तरह कंट्रोल, आग कंट्रोल में है, आग बुझा ली। कोई अभी जनहानि का कोई मालूम पड़ा नहीं अभी, है ना। मेरा नाम सुशील कुमार दुबे, गांधीहाल स्टेशन SI सुशील कुमार दुबे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।